अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AS फैमिली ब्लॉग्स। आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं 4:20। टाइम भी देखिए 4:20 हो रहा है और आयान स्कूल से आ गया है 10 मिनट पहले, तो अभी वो खाना खा रहा है। उसके बाद खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद नहाएगा, फिर साइकिल चलाएगा थोड़ी देर बाद, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ के फिर स्कूल का होमवर्क कम्प्लीट करेगा। और आज मैंने दिन में खाने में बनाया था दाल मखनी, चावल और पापड़ फ्राई कर दिया था और थोड़ा सा सलाद था। तो इनाए भी यहाँ पे बैठ के पापड़ खा रही है और टीवी में ये लोग कार्टून देख रहे हैं। कौन सा कार्टून है ये? गिजी क्या है बोलो? हाँ, और इनका काम चल रहा है घर से। वैसे तो थर्सडे के दिन नहीं जाते हैं, हाँ थर्सडे के दिन नहीं जाते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फ्राइडे भी नहीं जाते क्योंकि जुम्मा जाना पड़ता है, मतलब जुम्मा के लिए, और नहीं तो ऑफिस जाते तो टाइम नहीं मिलता जुम्मा पढ़ने के लिए, तो इसलिए फ्राइडे नहीं जाते। फ्राइडे भी घर से ही काम करते और एक घंटा लंच का ब्रेक लेके उस टाइम में नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो पानी गिरा हुआ था, मोबाइल रख दूँगी भूल से। ठीक है, तुम करो काम, काम में बिजी है मतलब इसलिए ऐसा बोले। तो बस, और इनाय को देखिए, यहाँ पे भाईजान के लिए पापड़ रखा था तो उसी से ही खा रही है भाईजान का, और सलाद भी खा लिया है भाईजान से, है ना? शायद भी बोला मैंने खाया ही नहीं, इसने खा लिया है। और पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी कल भी और आज भी मतलब गर्म पानी थोड़ा देती हूँ नहाने के लिए। वैसे तो ठंडा पानी से ही नहाते हैं, सिर्फ परसों बारिश हो गया ना तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए दोनों को गर्म पानी दे रही हूँ। हमने तो ठंडा पानी से ही नहाया। मतलब क्या बोले, और ये हमारी मैडम ने क्लिप्स लगाए हैं एकदम कलर के हिसाब से, पहले ग्रीन, फिर ऑरेंज, ब्लू, येलो सब, तो ये मतलब सीक्वेंस में था, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाती हैं, पता नहीं था टाइम कैसे मिलता है। नहीं रख लिया, उस दिन बारिश हुआ था ना इसलिए ऐसे ही फटाफट करती गई। मम्मी जिस दिन कपड़ा धोती हूँ ना सर पे सुखाने के लिए आती है, उसी दिन बारिश। चाय पीने का निंजा टेक्निक पुराने जमाने में तो लोग कटोरी में ही पीते थे ना, इसको बोलते हैं सरकार राज, वो बूढ़ी में ऐसे ही पीता था। मेरे नाना जी भी ऐसे ही पीते थे, मतलब कटोरी में वो चाय पीते थे। आज के ये साउंड है, मजा आ जाता है। चाय कैसी है आज? मसाला चाय बना है अच्छी है, मैं बनाता हूं वैसे। तो फिर बना के दिखाना था, बोल उससे पहले बनाना था ना, जब मैं गई थी चाय बनाने के लिए। हाँ कल तुम बनाना, कल तो छुट्टी है ना, वैसे भी कल ये छुट्टी ले रहा है, मतलब मेरा मुझे बुखार है, ये है वो है करके काम ज़्यादा है ना इसीलिए। इसको क्या हुआ? इसने तो मिक्सर खाने के बाद में ये मसाला है जहाँ ऐसे घस तो अपने मुंह में जाओ हाथों, फिर बर्निंग ट्रेन हो जाएगा। ये आलू भुजिया है ना मिर्ची वाला, तो उसने खा लिया। आयन के हाथ में क्या है ये? नहीं, ये हाथ में क्या पहना हुआ है तुमने? वो एवेंजर में मोटा आदमी है ग्रीन कलर का, तो उसका जैसा बनना है, हल्क मैंने बनना है तो तुम्हें मोटा होना पड़ेगा, हल्क है क्या वो? हाँ, तो वो उसने इसलिए पहना है बैंड, जब तक वो बैंड उसका हाथ में फिट नहीं आएगा तब तक वो पहन के रहेगा, जब तक उतना मोटा नहीं हो जाता। राइट है, देखिए नकल होता है रही यहाँ पे, कॉपी कैट है ये लड़की, ये कैट है, कैट जैसे पापा पी रहे हैं ना कटोरी में, तो ये दूध पी रही है कटोरी में।
ये हमारे घर की बिल्ली है। हाँ मैं बोलने वाली थी बिल्ली जैसे पी रही, बिल्ली भी ऐसे पीती है ना। मैं ऐसे पी रही हूँ, बिल्ली ऐसे पी रहा है। कैसे पीती है? कैसे पीती है? छिन गया। छिन गया? क्या छिन गया तुम? काल बानी। ब्रेक कहाँ है? ब्रेक? ब्रेक? गाड़ी में ब्रेक? चाय ब्रेक? नहीं चाय ब्रेक। अच्छा चाय ब्रेक वो ले लिया ना तुमने। हाँ अच्छा कपड़ा सुखाने के लिए गई थी तब भी ऐसा है। और एक ब्रेक है। तबीयत खराब लग रही है तो कोई छुट्टी ले। मतलब ये नाटक वाला एक्टिंग वाला सच में खराब नहीं है लग रहा है। हाँ लग रहा है। वीकेंड है अभी, बस अब मत बोलो नजर लग जाएगा। काम कर करके बुखार जैसा लगता है। तो कल खाना ये बनाएंगे। सब काम नहीं करता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। क्या करें अकेले अकेले आदमी काम कर रहे कहाँ जाए, घर पे भी काम करे। हाँ घर में कौन सा काम करते हो तुम? जब से हम लोग घर से आए हैं तब से तुमने एक ही दिन फिश करी बनाया है, बाकी दिन तुमने हाथ भी नहीं लगाया। एक रूम से दूसरे रूम जाना, फिर कपड़े उतारना पहनना और फिर टेबल पे खाना खाना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है ऐसे बोल रहे जैसे बहुत काम करते। हाँ वीकेंड पे थोड़ा सा लास्ट वीकेंड मतलब ये थोड़ा सा घर साफ सफाई किया था, वैसे भी करना है इस वीकेंड पे, ईद है ना। हाँ। तो ईद के लिए पूरा ऊपर झाड़ू लगाना है सब पे, मतलब सब पे नहीं घर का अंदर फैन वैन साफ करना है। हम तो मजदूर हैं। आयान को भी स्टडी टेबल साफ करना है, फ्रिज साफ करना है इस वीकेंड पर। हाँ वो सब आयान का है, मतलब ट्री भी ड्रेसिंग टेबल फ्रिज ये सब आयान साफ करेगा और अपना स्टडी टेबल। ये तो काम चोर है, ये कुछ भी नहीं करेगी ये लड़की। और ये करेंगे, मैं खाना बनाऊंगी, तुम दोनों अच्छा। तीनों घर के कामों में लग जाना। आसान वाला काम ले लिया तुमने, खाना बनाना। खाना बनाना भी तो मुश्किल ही काम है ना। मुश्किल है। हाँ सबसे ज्यादा मुश्किल बर्तन धोना पड़ेगा। अभी देखो कितना बर्तन है, तुम धोगे क्या वो बर्तन बोलो? कब धोते हो? जिस दिन मैं बीमार पड़ती हूँ उस दिन धोते हो तुम बर्तन। अच्छा बर्तन धोना किसे सिखाया तुमने? बर्तन धोना किसी ने नहीं, मैं घर से ही सीख के आई हूँ। सिर्फ खाना बनाना तुमसे सिखाया, बाकी काम मुझे पहले से आता था, सिर्फ खाना बनाना नहीं आता था। हाँ सिर्फ खाना बनाने में, बाकी काम मैं घर में करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़ा धोना ये सब सब कुछ कर लेती थी, सिर्फ खाना नहीं बनाती थी। पूछ लेना, बर्तन में ही धोती थी हर रोज। थोड़ा यूनिक होना चाहिए, सबका सेम होगा तो कैसे चलेगा। कल से मेरे दांतों में दर्द है। दो दिन भूसे दिए थे ना मैंने, नहीं तो पता नहीं क्यों ये लास्ट वाला दांत। मैं सोच रहा तुम्हारा दांत तोड़ दूं सब। हाँ। तो तुम्हारा दांत चला जाएगा। अभी वो भी लेने के लिए रेडी, मतलब इतना दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है इतना, मतलब कुछ बात करने से या फिर मेरी एक दोस्त है डेंटिस्ट, उसके पास लेके जाना। दर्द हो रहा है ना? कौन है तुम्हारे डेंटिस्ट? दर्द हो रहा है ना? आज तक ये है मोहब्बतें। तो हम लोग जाएंगे इशिता के पास। रमन कहाँ है? रमन तो छोड़ दिया, पता नहीं। तभी वो विवेक विवेक के साथ रहता ना, विवेक ही है ना उसका हस्बैंड का नाम। विवेक ओबेरॉय नहीं, विवेक चौधरी है शायद। रखो ही ना बस। नहीं बस अभी नहीं खाना, बाद में हम सब लोग मिलके खाएंगे, ठीक है? अभी नहीं। हाँ अभी तुमने खाया, मैंने दे दिया। हाँ ज़्यादा मत खाओ, मोबाइल बंद करो, ये चल रहा है, डियाना रोमा चल रहा है, बंद करो। तो यहाँ पे आयान का साइंस का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वैसे तो मैं हेल्प करती हूँ, बाजार आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये दांतों में इतना दर्द है ना, अभी मैंने पेन किलर खाया। प्रोजेक्ट एक्चुअली मैंने मतलब टेस्टिंग कर ली है, आपको दिखा देता हूँ, पास में हूँ। तो
बैटरी लग चुकी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आप सब जानते होंगे, ये बल्ब है। तो अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे इसको तो ये जल जाएगा। अच्छा। देखिए, लेकिन हाँ। आप और एक तरीका कर सकते हैं कि आपको कुछ स्विच चाहिए, लेकिन ये पता नहीं ये स्विच भी काम नहीं कर रहा है, तो आप इस स्विच के थ्रू भी काम कर सकते हैं। ये वायर बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंज कर लेना था दुकान में जाकर के। नहीं, इसके लिए कब चेंज करेंगे, ये वायर ही ऐसा है कि क्या बोले, और इसको ज़्यादा मुझे ये नहीं करना है। बैटरी पुराना है इसलिए लाइट का पावर कम है शायद। हाँ, तो अभी आप इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो ये स्विच में आ गया है, और अगर आप इसको अभी कनेक्ट करेंगे इसमें तो आपका ये जल जाएगा। लेकिन इसमें स्विच है तो आप अभी अगर दिखेंगे, देखिए ये ऑफ है फिर भी जल रहा है, फिर भी जल रहा है, मतलब स्विच के साथ कुछ नहीं है। स्विच तो ये, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। अच्छा। तो अब इसको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका कॉम्बिनेशन पता चल चुका है। सेलोटेप चाहिए या फिर फेविकॉल? तो अब इसकी वायरिंग करनी पड़े, मतलब इसको बैठाना पड़ेगा ऐसे कि ये मतलब दिखे, तो इसको यहाँ लगाएंगे और छुपी गया मेरी बीवी की तरह। ये मेरी बीवी की तरह चिपक ही गया, मेरे क्या चिपक गया है, इससे बीवी चिपक जाती है। अच्छा, मैं चिपक जाती हूँ? कब चिपका? आप लोगों ने कभी देखा है मेरे इनके ऊपर चिपका चिपका हुआ? चिपका हा? हुआ मतलब मैं चिपकी हुई हूँ, मैं फेविकॉल हूँ जो चिपक जाऊंगी। तो जो बल्ब है उसको अगर हम लोग, वैसे ये नहीं बैठेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बड़ा है, सेलोटेप चाहिए होगा ना। तो हम इसी के एक साइज़ का मतलब छोटा सा ऐसा मतलब गोल बना के उसमें ये बल्ब फिट कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही बिठा दो ना। ये हाँ नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसे बैठेगा ना, इसको ऐसे बिठा सकते हैं लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तो मैं की स्कूल में भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बच्चे तो खुद काम कर नहीं पाते हैं, पेरेंट्स को ही नहीं करना पड़ेगा। तो एक काम करो, फेविकॉल सेलोटेप जो भी चाहिए आयान दे सकते हैं क्योंकि आयान में रखा हुआ है। पेंसिल लेके आओ, पेंसिल लेकर आओ। तो ये जगह छोड़ो ताकि यहाँ पे हम कुछ लिख सकें, या फिर इसको तो चार्ट पे लगाना ही है, चार्ट पेपर उसके ऊपर चिपकाना है। ठीक है या नहीं देख लो, साइज बड़ा लग रहा है। कहाँ रखा ये? यहाँ साइड में रखो, गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगा। बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। इरेजर कहाँ है? पाउच में है ना। उसको बैठा के ऐसे ड्रॉ कर दो ना। गुड आइडिया। एक साइज पता चल जाएगा, ऐसे करो फिर ऊपर से करो। ये होता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते नहीं है तो मुझे लगता है कि इसी साइज का मैं काटूंगा गोल। इसे कैसे कट करोगे अभी? तो अब हम करेंगे इसमें एक उपाय, छः, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो हम इसी को फिर कलर पेपर को भी करना पड़ेगा ना, मतलब चार्ट पेपर को। बहुत ज़माने पहले मैं करता था ये, अपने स्कूल के दिनों में, बेटे के दिनों में बीवी करती थी, लेकिन आज नहीं। मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मतलब दूसरा प्रोजेक्ट बनाया है, ये लाइट का बल्ब का ये सब नहीं किया है मैंने।
तो फिर हम यहाँ से डाल रहे हैं, वहाँ से डालो इस साइड से। इस साइड से पुश करो ना। हाँ नहीं 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 उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा ना, तुम मतलब बहुत चतुर हो, मतलब मतलब बहुत पता है जैसे। ठीक है इनको करने देते हैं, मतलब आप ऐसे ही देखिए। हमने जितना सोचा था वैसा है नहीं। वो कटर कहाँ है उसका जो अभी लेके आया था, मतलब जो यहाँ नीचे। ये सब टूल्स होते हैं ना तो इजी होता है करने में। वो पेंसिल वाला टूल्स है ना, हमारे पास नहीं है। मंडे है, एग्जीबिशन है साइंस का, और कल सबमिट करना है स्कूल में, तो इसीलिए इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब लोग, मतलब दोनों मिल के। तो पूरा होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आयान का प्रोजेक्ट फाइनली बन चुका है, पर जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं बना, पर कोई बात नहीं, बन गया है वही काफ़ी है। ये घर है और कभी एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे आपको। जल रहा था ना, तो बल्ब खराब हो चुका है, तो इसलिए फैन यूज किया जा रहा है। दिख सकते हैं तो घर के अंदर फैन यूज करेंगे या बस काफी है। ये वायर है ना,